ऋषित के ऑफिस जाने के बाद रिद्धिमा अपने कमरे में बैठकर कल रात की ऋषित के साथ हुई बातें याद कर रही थी। रिद्धिमा ने सोचा कि ऋषित ने कितना सारा दर्द अपने अंदर छुपा रखा था। काश वो तब ऋषित से बात कर पाती, उसे हौसला दे पाती और उसका दर्द बांट पाती। रिद्धिमा उन पुरानी यादों में खो गई। उस वक्त ऋषित 16 साल का था और रिद्धिमा 12 साल की, और दोनों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी और दोनों ही एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स बन चुके थे। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था कि तभी एक दिन रिद्धिमा के पापा ने रिद्धिमा को बताया कि ऋषित की माँ अंतरा ने आत्महत्या कर ली थी। ऋषित बेहोशी की हालत में था और उसे बहुत तेज बुखार भी था। रिद्धिमा ये जानने के बाद फौरन ऋषित से मिलने अरोड़ा मेंशन चली गई थी, तो रिद्धिमा ने देखा कि ऋषित अपने कमरे के बेड पर पड़ा हुआ था और डॉक्टर और नर्स उसके आसपास थे। रिद्धिमा उससे मिलने उसके पास जा रही थी कि तभी डॉक्टर ने उसे रोक दिया था, ये कहकर कि वो अभी किसी को ऋषित से मिलने की इजाजत नहीं दे सकते। रिद्धिमा वहां से अपने घर लौट गई और दिन रात भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि ऋषित जल्दी से ठीक हो जाए। 2 दिनों बाद रिद्धिमा को पता चला कि ऋषित ठीक हो गया और ऋषित को होश आ गया था, लेकिन ऋषित ने खुद को अंतरा के कमरे में बंद कर दिया था। और ये सुनकर रिद्धिमा फौरन उससे मिलने चली गई थी। रिद्धिमा ने ऋषित से कितनी मिन्नतें की, कमरे का दरवाजा खोल दे और उससे एक बार मिल ले, लेकिन ऋषित ने दरवाजा नहीं खोला। उसने बहुत रिक्वेस्ट भी की कि एक बार ऋषित उससे बात कर ले, पर उसने नहीं की। तो भारी मन से रिद्धिमा घर लौट गई। उस वक्त भी अरुण और अरोड़ा खानदान बहुत फेमस था और इसलिए लोकल मीडिया और आसपास के इलाके के लोगों में अंतरा की आत्महत्या बहुत चर्चा का विषय हो गई थी। फिर 1-2 दिन बाद रिद्धिमा को पता चला कि अंतरा काफी महीनों से डिप्रेशन में थी और इसी वजह से उसने आत्महत्या की, और ये बात खुद अरुण अरोड़ा ने कुछ लोगों को बताई थी और मीडिया में भी यही लिखा हुआ था कि अंतरा ने डिप्रेशन की वजह से आत्महत्या की थी। रिद्धिमा ने भी इस बात पर भरोसा कर लिया और ये सोच लिया कि ऋषित की माँ ने डिप्रेशन में आत्महत्या कर ली। वैसे भी रिद्धिमा बस 12 साल की ही तो थी। जो बड़े लोग कह रहे थे उसे ही रिद्धिमा ने सच मान लिया था। उसके बाद 3-4 बार रिद्धिमा ने ऋषित से बात करने की कोशिश की, पर ऋषित नहीं माना। फिर रिद्धिमा ने भी सोचा कि शायद ऋषित उससे बात ही नहीं करना चाहता था, और इसलिए ऋषित को हौसला देने के लिए रिद्धिमा ने उसे खत लिखा। लेकिन फिर रिद्धिमा को लगा ऋषित कहीं गुस्सा ना हो जाए, इसलिए रिद्धिमा ने हिंदी लिखावट में खत लिखा, क्योंकि ऋषित और रिद्धिमा जब भी साथ में पढ़ाई करते थे तब ऋषित ने उसे मैथ्स में ही मदद की थी। इसलिए रिद्धिमा ने सोचा कि शायद ऋषित उसकी इंग्लिश लिखावट पहचान लेगा, और यही सोचकर रिद्धिमा ने हिंदी में खत लिखा। ऋषित उस वक्त अंतरा के कमरे में ही रह रहा था और ये कमरा अरोड़ा मेंशन के ग्राउंड फ्लोर पर था, और कमरे की एक खिड़की अरोड़ा मेंशन के गार्डन के सामने खुलती थी। उस वक्त अरोड़ा मेंशन में इतनी सिक्योरिटी नहीं हुआ करती थी और बस गेट पर एक गार्ड हुआ करता था। रिद्धिमा किसी तरह गार्ड से छुपकर गार्डन में घुस गई और फिर अंतरा के कमरे की खिड़की पर दस्तक दी, और फिर उसने खिड़की में से खत अंदर डाल दिया और अपने घर भाग गई। ऐसे ही रिद्धिमा ने ऋषित को कई खत लिखे थे, लेकिन रिद्धिमा को ये लगता था कि ऋषित ने गुस्से से वो सारे खत फाड़ कर फेंक दिए होंगे। रिद्धिमा को आज भी यही लगता था कि ऋषित ने शायद वो खत पढ़े भी नहीं होंगे, पर रिद्धिमा को ये तसल्ली थी कि उसने ऋषित को हौसला देने की और उसका साथ देने की पूरी कोशिश की थी। रिद्धिमा ने लंबी सांस ली और उन पुरानी यादों से खुद को बाहर निकालते हुए अपने काम पर फोकस करने की कोशिश करने लगी। दूसरी तरफ ऋषित अपने कार में बैठा हुआ था और उसकी कार ऑफिस की तरफ बढ़ रही थी, और वो कल रात के बारे में ही सोच रहा था। तभी ऋषित को याद आया कि उस वक्त सच में रिद्धिमा ने बहुत कोशिश की थी उसे मनाने की कि ऋषित बस एक बार उससे बात कर ले, पर ऋषित को खुद से ही डर लग रहा था। ऋषित को लग रहा था कि वो जरूर कुछ कर बैठेगा और इसीलिए वो किसी से भी मिलना नहीं चाहता था। उन दिनों घर के सर्वेंट दरवाजा खोलकर ऋषित के रूम में सामान और खाना रख देते थे, और कभी कभी तो ऋषित सर्वेंट्स को भगा देता था और उन पर चिल्ला भी देता था, या फिर उनकी तरफ चीजें फेंक देता था, और कभी कभी वो तो खाना भी नहीं खाता था। वो दिन ऋषित ने कैसे काटे थे
ये सिर्फ उसे ही पता था। उन दिनों ऋषित के लिए बस वो खत ही सहारा थे। एक दिन जब ऋषित अकेला बैठा हुआ था और रो रहा था, तो उसने अपनी माँ के कमरे की एक खिड़की पर दस्तक सुनी। जब ऋषित ने वो खिड़की खोल कर देखा तब वहाँ कोई नहीं था और एक खत पड़ा हुआ था। फिर ऋषित ने वो खत पढ़ा तो उसमें उस खत को लिखने वाले का नाम नहीं लिखा था, बस ये लिखा था कि वो भी ऋषित के दर्द को समझती थी और वो उसके साथ थी। वो खत बहुत ही क्लियर भाषा में लिखा हुआ था। ऋषित ये तो समझ गया था कि किसी लड़की ने लिखा था, पर कौन ये ऋषित नहीं जानता था। पहले ऋषित ने वो खत एक कोने में फेंक दिया था, पर फिर वो कंफ्यूज हो गया ये सोचकर कि आखिर ये खत उसे कौन भेज सकता था। पहले ऋषित के दिमाग में रिद्धिमा का ही ख्याल आया था, पर फिर ऋषित को याद आया कि रिद्धिमा तो कितनी बार उससे बात करने की कोशिश करके गई थी, तो रिद्धिमा उसे ऐसे खत क्यों लिखेगी? शायद ये कोई और हो और वो बाद में पता कर लेगा कि ये कौन थी। लेकिन जब तक ऋषित उस कमरे में रहा, हर कुछ दिनों बाद उसे वो खत आते रहे और हर बार वो लड़की यही कहती कि वो उसके साथ थी। और ऋषित हिम्मत ना छोड़े और अपने आगे की जिंदगी के बारे में सोचे और ये सोचे कि उसकी माँ उसे ऐसे नहीं देखना चाहती थी। और ऐसे ही कई सारी बातें खत में लिखी हुई थी। उसकी लिखी यही बातें जाने अनजाने में ऋषित का हौसला बढ़ा देती थी। ऋषित खुद को संवारने की और संभालने की कोशिश करता था। जब ऋषित कई दिनों बाद भी उस कमरे से बाहर निकलने को तैयार नहीं था, तो अरुण ने कई सारे डॉक्टर साइकियाट्रिस्ट भेजे, पर ऋषित गुस्से से उन्हें भगा देता था या उनसे बात ही नहीं करता था। उन साइकियाट्रिस्ट की बातों से ज्यादा उन खत में लिखी बातें ऋषित पर ज्यादा असर कर रही थी। सालों तक ऋषित उस शख्स से अनजान रहा जिसने वो खत लिखे थे। और शादी के बाद जब ऋषित रिद्धिमा से गुस्सा होकर लंदन गया, तो उसे पता चला कि वो इंसान जिसने उसे खत लिखे थे उसकी क्लासमेट सोनिया थी। ऋषित ने लंबी सांस ली, तभी उसे याद आया कि सोनिया ने कैसे रिद्धिमा और मिहिर को बदनाम करने की कोशिश की और सोनिया ने कैसे बीमारी का झूठा ड्रामा किया। और ऋषित को ये भी याद आया कि कैसे सोनिया ने कल अंतरा की डेथ एनिवर्सरी पर पूजा रखी थी। खुद का गुस्सा रोकते हुए ऋषित ने खुद को याद दिलाया कि वो ऑफिस जा रहा था और उसे ऑफिस के काम में मन लगाना था। जल्दी ही ऋषित ऑफिस पहुंच गया और खुद को काम में बिजी कर लिया। लेकिन ऋषित ऐसा ज्यादा देर तक नहीं कर पाया क्योंकि सोनिया उससे मिलने आ गई और उससे माफी मांगने लग गई। सोनिया रोते हुए बोली, ऋषित मेरा इरादा तुम्हें दुख पहुंचाने का नहीं था। मैं तो बस अंतरा माँ के लिए पूजा रखना चाहती थी ताकि उन्हें अच्छा लगे और तुम्हें भी अच्छा लगे। जिस पर ऋषित इरिटेट होकर बोला, सोनिया कभी कभी मुझे यकीन ही नहीं होता कि तुम ही वो लड़की हो जिसने मुझे वो खत लिखे थे। सोनिया का चेहरा सफेद पड़ गया ये सोचकर कि कहीं ऋषित को शक तो नहीं हो गया। ऋषित अब खुद पर काबू नहीं रख पाया और गुस्से से उसने कहा, मतलब तब तो तुम उन लेटर्स में लिखा करती थी कि मैं अपनी माँ की अच्छी यादें याद रखूं और बुरी यादें भूल जाऊं, और अब तुम खुद ही उन बुरी यादों को कुरेद रही हो। सोनिया फिर से एक बार ऋषित को कन्विंस करने की कोशिश करते हुए बोली, मुझे माफ कर दो ऋषित, मैं तो बस तुम्हें अच्छा फील कराना चाहती थी। लेकिन ऋषित अब सोनिया को और बोलने का मौका नहीं देना चाहता था। वो सोनिया को घूरते हुए बोला, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो सोनिया, जस्ट गो। सोनिया फौरन वहां से चली गई। सोनिया समझ गई थी कि ऋषित अब और भी ज्यादा ऋषित हताश हो चुका था, लेकिन फिर भी किसी तरह खुद का ध्यान काम में लगाने की कोशिश करने लगा। दूसरी तरफ निशांत को स्कूल से लाने का वक्त हुआ तो रिद्धिमा उसे पिक करने चली गई। फिर वहां से रिद्धिमा निशांत को लेकर सीधे अपने पापा के घर चली गई, जहां सुधा और सुहास मिहिर की शादी के बारे में बातें कर रहे थे। सुहास ने सुधा को समझाते हुए कहा, सुधा बहन जी आप मिहिर की इतनी फिक्र मत करो, कभी ना कभी कोई ना कोई लड़की तो उसे पसंद आ ही जाएगी। जिस पर सुधा ने परेशान होते हुए पूछा, सुहास भाई साहब आप समझ नहीं रहे, कितनी अच्छी लड़कियों के रिश्ते आए थे मिहिर के लिए, पर मिहिर ने उन्हें इनकार कर दिया, कहता है शादी ही नहीं करनी उसे, तो अब आप ही बताइए ऐसे कैसे चलेगा। सुहास ने सुधा से कहा, बात तो आप सही कह रही हैं बहन जी, पर बच्चे के साथ जबरदस्ती भी तो नहीं कर सकते ना। तभी सुधा ने रिद्धिमा को देखा और कहा,
अच्छा हुआ तुम आ गई रिद्धिमा, तुम अपने दोस्त से इस बारे में बोलती क्यों नहीं? रिद्धिमा ने सुधा को दिलासा देते हुए कहा, सुधा माँ आप परेशान मत होइए, अभी वो दिल्ली में अपने काम में बिजी है, पर जब वो मुंबई आएगा तो मैं उससे बात करूंगी, आप उसे थोड़ा समय तो दो। और आपको पता है ना कि वो शादी और रिश्ते के बारे में क्या सोच रखता है, तो अचानक से तो उसकी सोच नहीं बदल जाएगी ना, उसे थोड़ा वक्त लगेगा, पर तब तक शायद उसे कोई ऐसी लड़की मिल जाए जिससे मिलकर मिहिर खुद ये समझ जाए कि उसे एक साथी की जरूरत है। सुधा ने गहरी सांस ली कि तभी निशांत सुधा के गले लग गया। आखिरकार खुश होते हुए सुधा निशांत को प्यार से गले लगाते हुए बोली, अरे मेरा बच्चा कितने दिनों बाद मिलने आया है, तो चलो इसी बात पर आज कुछ मीठा बनाते हैं, खीर बना दूं, तुम्हें बहुत पसंद है ना? फिर सुधा निशांत को अपने साथ किचन की तरफ ले गई। उनके जाते ही रिद्धिमा अपने पापा की तरफ मुड़ते हुए बोली, पापा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। रिद्धिमा ने सुहास को वो सब बताया जो ऋषित ने कल रात उससे कहा था। फिर रिद्धिमा ने सुहास से सवाल करते हुए पूछा, क्या ये सब आपको पता था पापा? प्लीज आप मुझसे झूठ मत बोलिएगा, मैं जानती हूँ आप अरुण अंकल के बहुत करीब थे और इतने सालों तक आपने उनके लिए काम किया था, ये बात आपको पता ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। रिद्धिमा की ये बात सुनकर सुहास ने गहरी सांस ली, वो अब अपनी बेटी से कुछ छुपाना नहीं चाहता था, तो इसलिए सच बताते हुए सुहास ने कहा, हाँ मुझे पता था। ऑफ कोर्स मुझे ये बात बहुत देर से पता चली कि अरुण जी और देवयानी जी साथ में हैं और उनका एक बेटा भी है, लेकिन मैं क्या करता, अरुण जी के लिए नौकरी कर रहा था और उनके राज को राज बनाए रखना भी मेरा फर्ज था, तो इसलिए मैंने खुद से कभी अंतरा मैडम को सच नहीं बताया, पर सच को छुपाया नहीं जा सकता और एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है, तो वैसे ही अंतरा मैडम को भी पता चल गया। तभी रिद्धिमा ने गुस्से से कहा, मतलब अंतरा माँ कभी डिप्रेशन में नहीं थी और अरुण अंकल ने सबसे इतना बड़ा झूठ बोला? तब सुहास ने अरुण का असली चेहरा रिद्धिमा के सामने लाते हुए कहा, अरुण अरोड़ा एक ऐसा आदमी है जो अपने रुतबे इज्जत और शोहरत कायम रखने के लिए कुछ भी कर सकता है, अरे उसने तो कभी सूरज को दुनिया के सामने अपना खुद का बेटा स्वीकार ही नहीं किया, तो सोचो वो इंसान कितना स्वार्थी होगा। तभी रिद्धिमा को याद आया कि अंतरा की मौत के बाद ऋषित कितना टूट गया था, रिद्धिमा ने ऋषित से कितनी बार मिलने की कोशिश की थी, फिर आखिर में रिद्धिमा ने ऋषित को खत लिखे, लेकिन फिर भी ऋषित की हालत में कुछ खास सुधार नहीं था। ऋषित ने खुद को अंतरा के कमरे में ही बंद कर लिया था और ऐसे ही अंतरा की मौत के 3 महीने बाद रिद्धिमा को पता चला था कि अरुण देवयानी से शादी कर रहा था और देवयानी के अपने पहले पति से एक बेटा भी था जिसका नाम सूरज था। रिद्धिमा खुश थी ये सोचकर कि शायद देवयानी के रूप में ऋषित को अपनी माँ वापस मिल जाए और वो ठीक हो जाए। रिद्धिमा ने सुना था कि देवयानी का पहला पति उससे तलाक लेकर देश छोड़कर जा चुका था और इसलिए उसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। अरुण देवयानी और सूरज की जिम्मेदारी ले रहा था और सूरज को भी अपना बेटा मानने वाला था। ये सुनकर रिद्धिमा के दिल में अरुण के लिए इज्जत और बढ़ गई थी, लेकिन अब रिद्धिमा को सच पता चल गया था और ये भी कि देवयानी का कोई पति ही नहीं, सूरज का पिता असल में अरुण ही था, लेकिन अरुण दुनिया के सामने ये स्वीकार नहीं करेगा कि सूरज उसका सगा बेटा था, क्योंकि अगर ऐसा किया तो सबको पता चल जाएगा कि अरुण और देवयानी का सालों तक अफेयर था और सूरज उनका खून था। दुनिया के लिए आज भी सूरज अरुण का सौतेला बेटा था। रिद्धिमा को लगा नहीं था कि कोई ऐसा भी दिन आएगा कि उसे देवयानी और सूरज के लिए बुरा लगेगा, लेकिन आज रिद्धिमा को सच में उन दोनों के लिए बुरा लग रहा था। ऋषित ने ये सब कैसे सहा होगा, ये सोचकर रिद्धिमा को अरुण पर और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी सुहास ने कहा, अरुण ऐसा ही इंसान है और इसलिए जब वो ऋषित का रिश्ता तुम्हारे लिए लेकर आए तो मैं बार बार तुम्हें उनकी बातों में ना फंसने की वार्निंग दे रहा था। रिद्धिमा इस पर कुछ नहीं कह पाई। क्या ऋषित को कभी सच पता चलेगा कि वो खत उसे सोनिया ने नहीं बल्कि रिद्धिमा ने भेजे थे? क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए क्यों दर्द है इतना इश्क में